कोई एक नंबर का नीच, कोई दो नंबर का नीच, कोई तीसरे नंबर का नीच। और हम नहीं कह रहे हैं, ये मनु का विधान कहता है, एक श्लोक है मनुस्मृति में, पंचवर्षम तू ब्राह्मणम शतवर्षम तू क्षत्रपाह पिता पित्रो बिजानिया ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय का पिता है। ये स्वामी प्रसाद मुरा नहीं कह रहे, ये मनु महाराज कह रहे हैं, ये मनुष्य कह रही है। हम इसलिए इसका हवाला दे रहे हैं कि पिछड़े समाज के लोगों, क्षत्रिय बनने का, झूठा क्षत्रिय बनने का नाटक मत करना। क्योंकि अगर क्षत्रिय बनोगे और 100 साल उम्र हो जाएगी तो भी 5 साल के ब्राह्मण को पिता कहना पड़ेगा। यह मनु का विधान है, यह मनुस्मृति का कहना है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो आंधी तूफान और भूचाल आता ही आता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कह रहा था, आज हमें अर्थ का अनर्थ पढ़ाया जा रहा। जब धर्माचार्य लोग घिर गए तो मानस की नई प्रति छपवाकर ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने लगे, लेकिन ये शायद नहीं जानते कि आज जो पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको दे दिया, अब इस देश का हर नौजवान पढ़ लिख करके तैयार हो गया है। अब आपके समझाने समझने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी समझ से ज्यादा समझ इस देश के शुद्ध समाज के लोगों के अंदर आ गया है, जिसको हजारों साल से तुमने पढ़ने लिखने से रोका। लेकिन यही कल्याण प्रश्न वाले, गीता प्रश्न वाले और धर्माचार्य लोग नहीं समझ पाए कि कहीं ना कहीं गलती करने वाला अपनी गलती का कोई सबूत छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने मानस में भी अपनी गलती छोड़ दिया। लिखा है एक जगह कि शापत ताड़त परुष कहंता, मुझे विप्र कहाई सब संता, अब पूजह विप्र सकल गुण ही ना, पूजह न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीण। आप समझो, यहां पर ताड़न का मतलब आज भी लिखा है उसी रामचरित मानस में कि मारते पीटते प्रताड़ित करते। तो एक शब्द आपने शिक्षा से लगा दिया, लेकिन दूसरा ताड़न शब्द आपने छोड़ दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, आज धर्म के नाम पर हमें नीच कहा गया, क्या हमें दर्द नहीं होगा? धर्म के नाम पर हमको अधम कहा गया, क्या अपमान नहीं होगा? धर्म के नाम पर हमारे साथ अपमान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, क्या हमें दर्द नहीं होगा? अगर हम अपना दर्द कहते हैं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में भूचाल आ जाता है। कोई हमारी हत्या करने की बात करता है, कोई सिर काटने की बात करता है, कोई तलवार से गर्दन उड़ा देने की बात करता है, कोई जीभ काटने की बात करता है, कोई हाथ काटने की बात करता है, कोई नाक कान काटने की बात करता है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि तुम्हारी इस गीदड़ भक्ति से स्वामी प्रसाद मौर्य के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।
हमने 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 75 साल पूरे होने पर सरकार भी अमृत महोत्सव मना रही है, महिला सशक्तिकरण की नाटक भी कर रही है और दूसरी ओर धर्म की आड़ पर महिलाओं को अपमानित करने के लिए उनको छूट भी दे रही है। एक और अमृत महोत्सव, एक और नारी महिला सशक्तिकरण का अभियान, एक तरफ ये नारा यत्र नारियो तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक तरफ पूजा के नाम पर नवरात्र में महिलाओं का पूजा करना और दूसरी ओर देश की आधी आबादी महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देना इनके असली चेहरे को उजागर करता है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हमें खुशी है कि हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो क्रांति का बिगुल फूंका था उसको हम लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यद्यपि पहले विपरीत दृष्टिया थी, जब छत्रपति शाहू जी महाराज पेरियार स्वामी नायक नारायण गुरु बाबा साहेब डायरेक्टर अम्बेडकर ज्योतिबा फुले आदि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाइयां लड़ रहे थे उस समय परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन आज लोकतंत्र है, हमारा अपना भारतीय संविधान है, हम सभी को बराबर का सबको अधिकार है और आज भी मनवादी ताकते भारतीय संविधान पर भारी बनने की लगातार कोशिश में है। यही कारण है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी मनुवादी ताकते मनु का विधान लागू करने का पाप कर रही है। हमारे पिछली जात के तमाम लोग क्षत्रिय बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप शायद नहीं मालूम कि क्षत्रिय बनने पर भी मनुवादियों ने आपको नीच होने का ही प्रमाण पत्र दिया है, वहां जाकर के भी आप ऊंच नहीं बन सकते। इस व्यवस्था में जिसे हम अपना धर्म मानते हैं, इस व्यवस्था में जो वर्टिकल सबसे ऊपर नंबर है, सबसे ऊपर यहां की व्यवस्था है ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र, यानी सबसे ऊपर कौन? ब्राह्मण। मनु की व्यवस्था में सबसे ऊंचा ब्राह्मण और सब उसके नीच, उसके सबसे नीच, उसके सब उसके नीचे, यानी सभी नीच। नीच होने में दर्जा का अंतर है, कोई एक नंबर का नीच, कोई दो नंबर का नीच, कोई तीसरे नंबर का नीच। और हम नहीं कह रहे हैं, ये मनु का विधान कहता है, एक श्लोक है मनुस्मृति में, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम् शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पित्रो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय का पिता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे, ये मनु महाराज कह रहे हैं, ये मनुस्मृति कह रही है। हम इसलिए इसका हवाला दे रहे हैं कि पिछड़े समाज के लोगों क्षत्रिय बनने का, झूठा क्षत्रिय बनने का नाटक मत करना। क्योंकि अगर क्षत्रिय बनोगे और 100 साल उम्र हो जाएगी तो भी 5 साल के ब्राह्मण को पिता कहना पड़ेगा, यह मनु का विधान है, यह मनुस्मृति का कहना है।